हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पब्लिक टेलीग्राम पर चैनल पर जो मैंने कॉल पोस्ट किया था इंट्राडे के रिगार्डिंग उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग आ गए हैं चार्ट पर जो ये मैंने कॉल दिया था सबसे पहले इसको हम लोग थर्टी मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि देखिए ये इसका रेसिस्टेंस एरिया था इस एरिया पर इस स्टॉक ने दो बार रेसिस्टेंस फेस किया था तो इस हिसाब से ये स्टॉक मेरे लिए मेरे रिडाक पर था कल ही मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा था जब इसने इसको ब्रेकआउट किया था तो मुझे लग रहा था ये फेक ब्रेकआउट होगा और नीचे की तरफ फॉल होगा बट मुझे फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के डेट में कोई भी बियरिश कैंडल नहीं मिली कोई भी देख रहे हैं आप इसको यहाँ अगर ध्यान से जूम करके देखते हैं कोई भी आपको बियरिश कैंडल यहाँ पर नहीं दिख रही है तो कल मैं वेट किया और यहाँ पर कोई भी बिरिशनेस शो नहीं हुआ और प्राइस एक रेंज में स्टक हो गया एक रेंज में स्टक हो गया तो आज के दिन इसमें देखिए इस रेंज में ये प्राइस स्टक हो गया तो आज के डेट में अब क्या हुआ कि प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया तो इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया नॉर्मली क्या होता है कि जब प्राइस एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता दे है तो बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर एंट्री करते हैं और यहीं पर ट्रैपिंग स्टार्ट होती है तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे और फिर बड़े सेलर जो होंगे जो बड़े इन्वेस्टर होंगे वो यहाँ पर सेल कर दिए होंगे ट्रैप कर दिए होंगे प्राइस देखिए फ़र्स्ट कैंडल फर्स्ट फिफ्थ मिनट की कैंडल जो है फाइव मिनट की कैंडल आपको बेरिश कैंडल शो हुआ तो इस बेसिस में मैंने इस स्टॉक को सेल किया ब्रेक ब्रेकडाउन होने के बाद इसने रिटेस्ट किया रिटेस्ट के बाद देखिए यहाँ पर मैंने कहीं पर आपको सेल कॉल दिया था और अगर दूसरा कन्फर्मेशन देखें तो देखिए प्राइस एक हायर हाई फॉर्म कर रहा था देखिए इसने एक ये हाई बनाया फिर एक हाई बनाया और फिर एक हाई बनाया मतलब नया हाई बना रहा था प्राइस और आर मुझे बता रहा है कि प्राइस मोमेंटम लूज़ कर रहा है देखिए ये आर जो है नीचे की तरफ जा रहा है प्राइस अपना एक नया हाई बना रहा है बट आर मुझे दिखा रहा है कि प्राइस अपने मोमेंटम को लूज़ कर रहा है तो लूज़ जब कर रहा है मोमेंटम को तो ऑबेसी बात है वो नीचे की तरफ आएगा बट उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होना चाहिए जो मुझे दिख रहा है थर्टी मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है ये और यहीं पर ये सारे चीज़ें हुई फेक ब्रेकआउट हुआ ट्रैपिंग हुई और प्राइस यहाँ से नीचे आया और आपको क्लियर थर्टी मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है कि देखिए ये प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस क्लियर दिख रहा है तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए मैंने इस स्टॉक में आपको सेल कॉल पोस्ट किया था तो फिर आप इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए सीखने की कोशिश कीजिए और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए तो आप भी इंट्राडक्ट में सक्सेस हो सकते हैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ कैंडल स्टिक ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस हर चीज़ें आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना होगा और आपको दो से तीन जो है रीज़न होना चाहिए स्टॉक में एंट्री करने से पहले आपको दो से तीन रीज़न होना चाहिए कभी भी एक रीज़न से किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं कीजिए इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए समझने की कोशिश कीजिए तब तक तो फिर फिर मालूम मिलते हैं फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय